भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धार्मिक नगरी उज्जैन में भी अपार उत्साह है। भगवान महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना की जा रही है। राजाधिराज भगवान महाकाल का मंदिर विशेष रूप से सजाया गया है और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो मंदिर है वो इस रूप में सजाया गया है, जैसे मानो महाशिवरात्रि पर्व या नागपंचमी के पर्व पर भगवान महाकाल को सजाया जाता है। दिन भर पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ महाकालेश्वर मंदिर के पंडित जी हैं। पंडित जी, कितना उत्साह है, किस तरीके की तैयारी है यहाँ पर? जनता भारी उत्साह है यहाँ पर दर्शनार्थियों में, जनता में राम जन्मभूमि के विषय में। यहाँ पर महाकाल मंदिर में भी नित्य कार्यक्रम हुए होंगे, नित्य कार्यक्रम होंगे बाबा महाकाल के, पूजन अर्चना होगी, राम स्वरूप में दर्शन हो गए और गीत भजन वंदन संध्या वगैरह आदि कार्यक्रम होंगे। तो पंडित जी ये बताएं कि भगवान शिव और राम दोनों की एक साथ आराधना चल रही है? हाँ, भगवान शिव और राम की दोनों की एक साथ आराधना चल रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। राम भगवान शिव के आराध्य है तो शिव भी भगवान राम के आराध्य है। उज्जैन से भी घेरा नाता रहा भगवान श्री राम का? हाँ, भगवान शिव का उज्जैन से घेरा नाता रहा है। भगवान राम यहाँ पर समय समय पर आते रहे हैं, उसके बहुत सारे उल्लेख है। देखिए आप किस तरीके से उत्साह है, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, काफी भीड़ है। कहाँ से आए आप लोग? उज्जैन से ही हैं। तो राम जन्मभूमि पर भगवान का प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है, आप भगवान महाकाल से आशीर्वाद लेना है जी? कैसा नजारा है यहाँ? बहुत अच्छा नजारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी भारत राममय हो गया है और हमें बहुत गर्व है कि आज हम राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाने जा रहे हैं, मतलब मोदी जी करवाने जा रहे हैं, और हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। पूरा उत्साह है यहाँ पर, श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। देखिए आप किस तरीके से पूरे नंदी हाल में भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? सूरत से आए हैं, सूरत से, सूरत गुजरात। कैसा माहौल देख रहे हैं? एकदम बढ़िया माहौल है और प्रभु की कृपा अपरंपार है, बहुत यहाँ आके अच्छा लग रहा है। भगवान महाकाल के साथ साथ राम भगवान का भी आशीर्वाद मिल रहा है? हाँ, साथ में मिल रहा है। आज महाकाल का मिलेगा, कल प्रभु श्री राम का मिलेगा। किस तरीके का नजारा है ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दरबार? भाई यहाँ का तो माहौल ही, यहाँ आते ही माइंड जीरो हो जाता है, कुछ सोचना कुछ बोलना कुछ याद नहीं रहता, खाली प्रभु के दर्शन करते हैं और धन्य हो जाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, देश के कोने कोने से भक्त आए हैं, अपार उत्साह है श्रद्धालुओं में। भगवान शिव के साथ साथ भगवान श्री राम को लेकर भी यहाँ पर आशीर्वाद मिल रहा है और काफ़ी आराधना का दौर चल रहा है। यहाँ के पंडित और पुरोहितों का कहना है कि दिन भर यहाँ पर कल पूजा अर्चना चलेगी, भगवान श्री राम के स्वरूप में महाकाल को सजाया जाएगा। और जैसा कि पुरोहित और पंडित का कहना है कि जो भगवान श्री राम है वो भगवान शिव का आराध्य थे और भगवान जो शिव है वो राम का आराध्य है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। विक्रम सिंह जाट, ABP News, उज्जैन।